गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे बज चुकी है सुबह के 7 और परी मैडम उठते ही आती है और बोलती ब्रश ब्रश ब्रश, इसलिए उसको ब्रश देना पड़ता है। तो वो बहुत अच्छी, तो वॉइस ओवर करते टाइम वो मेरे बाजू में बैठी, इसलिए वो देख के बोल रही ब्रश इश। तो वो इतने अच्छे से नहीं करती है और हमें करने नहीं देती वो ब्रश। तो मैं स्टार्टिंग में क्या करती हूँ, मेरा पहले उंगली अच्छे से धो लेती हूँ, मतलब कि हैंड वॉश कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने हाथों से उसके जो टीथ है वो क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से, फिर उसको ब्रश देती हूँ। तो उसको ये है कि उसको अभी आदत तो पड़ गई है कि वो चलो ब्रश करना है डेली, वो उसको हमने रूटीन बना दिया है कि रोज़ सुबह उठ के ब्रश करना है ऐसा। तो ब्रश लेके वो बोलती खिड़की खोलो, फिर खिड़की के बाहर वो ये लेकर आती चेयर, और चेयर में बैठकर फिर मस्त आराम से वो ब्रश करती है। और आप देख सकते हैं वो जैसे हम करते हैं ना ब्रश वैसे ही करती है, थोड़ा सा छोड़ देती है, फिर थोड़ा सा ब्रश हिलाती है इस तरह से। तो ऐसे मस्ती करते करते वो इसका रूटीन तो बन गया है कि डेली ब्रश करना ज़रूरी होता है ऐसा। तो ऐसे वो करती है। तो मैं पहले क्लीन कर देती हूँ उसके टीथ अच्छे से और फिर वो कर लेती है, मतलब कि उसको रूटीन बना दिया है हमने कि डेली सुबह और शाम ब्रश करना होता है ऐसा। और आप सोच रहे होंगे कि परी के कान को क्या हुआ, तो उसके एक कान ना थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ है अब तक, इसलिए मैंने वहाँ पे कुमकुम लगाया है। तो टेंशन मत लीजिए, वो कुमकुम है, खून नहीं है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है गुरुवार और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं हमारे यहाँ का गुरुवार का मार्केट दिखाऊँ। तो देखती हूँ मार्केट लगा है कि नहीं, क्योंकि लास्ट गुरुवार को तो लगा नहीं था। तो इस बार देखती हूँ, अगर लगा हो तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी, नहीं लगा हो तो फिर स्टेशन पे जाके सब्जियाँ लानी पड़ेगी, क्योंकि सारी सब्जियाँ घर की ख़त्म हो गई और हमें जाना है सब्जियाँ लेने के लिए। इसीलिए तो मैं और परी रेडी हो चुके हैं। और परी को ना मैंने आज ये वाला नया ड्रेस पहनाया, मैंने डीमार्ट से लिया था। परी उबिरा स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप उबिरा। तो खाना खा के फिर निकलेंगे सोचा है, इसलिए परी को भी मैं खिचड़ी अभी खिला दूंगी और फिर हम निकलेंगे। वो भी रहा ना तुझे ड्रेस दाखो दे ना, तो अच्छा है। जब लिया था तो मुझे लगा नहीं था इतना अच्छा लगेगा, लेकिन अच्छा लग रहा है घर में पहनने के लिए, एकदम कम्फर्टेबल है। वो भी रहा ना परी, ये देखिए ये कुछ इस तरह से है। तो परी का ड्रेस और मेरा यहाँ की डिजाइन मैचिंग 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 गुंजू 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 गुंजू। परी परी डांस कैसे करती, five little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called a doctor and doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." बोल मम्मा मम्मा, काका नोनू, बाबा बाबा, पप्पा पापा, काकू काकू, बाबू बाबू बाबू, मामू मामम 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 मामू मामम। बर अजून आजी आजा आजी आजा, जे जे याया 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 योयो याया 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 याया। वाह, यू लुक्स ब्यूटीफुल। या पर्सिल 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 स्टैंड अप। परी इकडे बघ, अच्छा येईन ना बाबू, दाखवून तुझा ड्रेस। वा पोहा कैंसिल हो गया, क्योंकि पोहा ख़त्म हो गया है, बहुत थोड़ा सा है उसमें नहीं हो पाएगा, तो इसलिए पोहा बनाना तो कैंसिल हो गया। मैंने मिर्ची और ऑनियन भी कट करके रखा था, लेकिन उस उसको क्या करूँ, उपमा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता है और मुझे कुछ तीखा ही खाने का मन हो रहा है। वैसे बिस्किट खा रही है लेकिन मुझे खाने का मन, तीखा कुछ खाना था तो हाँ ख़त्म हो गया। मुझे धानी नहीं था लास्ट में, मुझे लगा है एक पैकेट और हम ला के रखते ही ऑलरेडी उसमें, लेकिन नहीं, तो इसीलिए पोहा कैंसिल। अभी सिर्फ चाय बनानी पड़ेगी और कुछ नाश्ता सूझ नहीं रहा है। ऐसे बहुत हम वीडियोज़ या यहाँ वहाँ देख के रखते लेकिन टाइम पर कुछ नहीं सूझता है कि क्या ऐसा फटाफट बन जाएगा, सूझ ही नहीं रहा है कुछ। और जैसे मैंने कहा माँ पसंद नहीं है मुझे, मतलब मेरा मन भी नहीं है अभी खाने का, पोहा खाने का मन था तो पोहा फिलहाल कैंसिल हुआ। तो चलिए मैं सिर्फ चाय रखती हूँ और ये जो ऑनियन कट करके रखा है वो रख देती हूँ, शाम को कुछ भाजी वाजी बनाने में उस टाइम पे काम आ जाएगा। तो चलिए मैं चाय बनाती हूँ, फिर उसके बाद अच्छी मिलती हूँ। मुझे एक आइडिया आई है क्यों ना बटाटा भजी बनाई जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ तीखा खाने का मन है तो बटाटा भजी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, मैं चाय के साथ खा सकती हूँ और वो फटाफट भी बन जाएगी क्योंकि उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। बस बेसन का घोल करना होता है, आलू कट करना होता है, मिक्स करना होता है, फ्राई करना होता है, तो वेरी सिंपल। तो मैं बनाती हूँ बटाटा भजी, मतलब आलू भजिया, और वो चाय के साथ हो जाएंगे चाय और आलू भजिया तैयार हो गई है। तो डोंट वरी, मैं इतने नहीं खाऊंगी, थोड़े से खाऊंगी, वो तो बन गए इसलिए सारे बना दिए। और ये देखिए कितने मस्त फूले, कुछ कुछ इतने अच्छे नहीं बने, कुछ कुछ अच्छे बने। तो चलिए मैं अभी खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आज है नेक्स्ट डे और कल रात को मैं व्लॉग का एंड करना भूल गई थी। एक्चुअली कल शाम को परी को ऐसा हो रहा था कि उसको बस मैं पास में चाहिए थी, मतलब मेरी गोदी में सोना था उसको। कभी कभी होता है ऐसा बच्चों को, और परी को भी कभी कभी होता है ऐसा। तो मुझे छोड़ नहीं रही थी, बस ऐसे चिपक के बैठी थी या फिर गोदी में सो के टीवी देख रही थी, शांत पड़ी थी, उसको कुछ हो भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसको मेरे पास ही रहना था। तो फिर शाम को मैंने भी कुछ शूट नहीं किया, ऐसा लगा कि उसको अगर मैं चाहिए हूँ तो मुझे उसके साथ रहना ज़रूरी, ना कि शूट करना या फिर मतलब कुछ भी काम करना। तो फिर मैंने कुछ ज़्यादा काम भी नहीं किया शाम को, बस परी के साथ ही बैठी थी, उसको उसके पास में बैठी थी, तो इसलिए फिर आगे शूट नहीं कर पाई। फिर अभी सोचा कि चलो कल का जो ब्लॉग था उसका एंड कर दूँ। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।